तो देखो इंडिया में ना दो चीजों को बहुत क्रेज है, एक तो मूवीज और दूसरा है अपना स्पोर्ट्स क्रिकेट। क्रिकेट के लिए तो लोग बहुत ज्यादा पागल हो गए और ये क्रेज और बढ़ गया जब से आईपीएल वगैरह स्टार्ट हो गया ना। लोगों को एंटरटेनमेंट का एक बहुत बढ़िया जरिया मिल गया है, हम सब इंजॉय करते हैं और सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरा एशिया, एशिया की क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है। आप देख लो ना इवन वार्नर से लेके जो भी बड़े बड़े प्लेयर है ना एवी डिविलियर्स, जितना उनको अपने देश में प्यार नहीं मिलता हम लोग करते हैं, वह सब हुआ है आईपीएल की वजह से। तो हर बंदे का सपना बन गया आज के डेट में क्रिकेटर बनना। अब जैसे पहले लोग कहते थे ना कि भाई ये अमीरों का गेम है, अगर आपकी जान पहचान है सपोर्ट है तभी बन पाओगे, पर मुझे लगता है ये टैलेंट का गेम है और ये बहुत सारी चीजें प्रूफ कर रही है। सबसे पहला प्रूफ था भाई धोनी, जो महेंद्र सिंह धोनी जहां से आया एक छोटे से शहर से और जिस फैमिली बैकग्राउंड के साथ इतना नाम कमाया, तो पेरेंट्स अवेयर हो गए कि हाँ अगर बच्चे में टैलेंट होना तो वो कुछ भी पा सकता है। तो एक दिन मैंने 4 छक्के मार दिए थे अपने छत पे, दिल्ली में रहते भाई ग्राउंड नहीं है हमारे पास, ग्राउंड के नाम पे पार्क बनाते हैं जिसमें पेड़ लगा देते हैं, कहते हैं हरियाली ये ऑक्सीजन देगी, इतनी हरियाली है यहाँ पे, पार्क भी ऐसे होते हैं जैसे छत बराबर, तो हमने कहा छत पे ही खेल लेते हैं। छत पे 4 छक्के लगाए, मेरे पापा भावुक हो गए, कहते तू क्रिकेटर बन सकता है, मुझे अकेडमी में ज्वाइन कर दिया। मैं वहां एकेडमी में गया, उन्होंने बोला कि इसे तो बल्ला भी पकड़ना नहीं आता, ये दूसरा हाथ नीचे रख रहा है, शॉट कहाँ लगाएगा, ये बॉल मारेगा अपनी मुंह फोड़ लेगा, इसको बल्ला पकड़ना नहीं आ रहा, आपने एकेडमी ज्वाइन कर दी। पापा कहते कि हमने खुद क्रिकेट नहीं खेला तो हमें कैसे पता होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं ठीक है, पैसा दोगे तो हम सिखा देंगे। तो उन्होंने 6 महीने मुझे बल्ला पकड़ना सिखाया, उसकी फीस देते रहे। तो मुझ में टैलेंट नहीं था और धीरे धीरे वो कोच को भी पता लग गया जो मुझे सिखाता था कि इसे बल्ला पकड़ना नहीं आ रहा है, जो 6 महीने से यही सिखा रहा हूँ इसे क्या सिखाऊंगा, उसको भी लगा हराम के पैसे इतने भी नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि ऐसा करो इसको लूडो खिलाओ, आने वाले टाइम में शायद ओलंपिक में लूडो हो जाए, ये गोल्ड मेडल जीत जाए शायद उसमें, क्योंकि तुम्हारा लड़का इंडोर के लायक है, रनिंग करता है तो आपस में टकरा के गिर रहा है, डेली मुंह फोड़ दे रहा है, हमने डॉक्टर स्पेशली इसके लिए बुलाया है, जितनी फीस देते हो उससे ज्यादा डबल तो ये डॉक्टर लेके जा रहा है। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, घर आ जाओ। और देखो खेलना नहीं सीखा पर मुझे क्रिकेट पसंद है बहुत देखना, और ये तब से हुआ जब से महेंद्र सिंह धोनी को देखा है मैंने खेलते हुए। एज अ मिडिल क्लास मुझे लगता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब ले लेना तो वो छोड़ नहीं सकता उसे, माँ बाप तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बहन जो दहेज लूंगा इसी पे, तेरी शादी करवा के दहेज लूंगा, एक 4 पहिए की गाड़ी लगाऊंगा घर के आगे, हमारे माँ बाप खुश है उसी में, वो जान दे देंगे झूल जाएंगे वो नौकरी छोड़ने की बात की तो। और हम ऐसे बच्चे थे कि हमें लगता है कि अप्रोच पैसा और लात देने के बाद भी हम शायद नौकरी ना ले पाए, हम इतने लेस टैलेंटेड, हमें भगवान ने बनाया इसलिए कि तुझे जिंदगी का महत्व समझाता हूं, जिंदगी बोझ ना लगने लगे तो बताइयो। मुझे लगा कि जब वो अपनी जॉब गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अपने करियर के लिए फोकस कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, मैंने कहा नहीं जाना पढ़ने। तो महेंद्र सिंह धोनी ने भाई जॉब छोड़ दी और फुल टाइम अपने क्रिकेट को फोकस किया, ये एक डिसीजन है। दूसरा एक और डिसीजन, जब उन्हें कप्तान बनाया गया था T20 मैच का और फाइनल में लास्ट ओवर डालना था मिसबाउल हक के सामने जो कमाल के फॉर्म में था और बहुत बेहतरीन सिक्सेस ठोक रहा था है ना, पर उस दूसरी तरफ कोई भी नहीं था, मतलब आखिरी विकेट थे, तब भी उन्होंने जोगिंदर शर्मा को गेंदबाजी दी और वहां पे कमाल का वो मैच निकाल के दिया और वो मैच हम लोग जीत गए, हमने इतनी तारीफें की। फिर 11 वर्ल्ड कप जब हुआ 50-50 वो भी हमें जिताया अपने डिसीजन की वजह से, खुद को प्रमोट किया और आगे और गेम को पूरा फिनिश करके चले गए, ये होता है एक डिसीजन। मैंने भी अपनी लाइफ में डिसीजन लिए, मैं बीकॉम करते हुए मुझे याद आया कि बीकॉम तो बेकार है, मैं बीबीए कर लेता हूँ, बीबीए पता चला बीकॉम से भी बेकार, उसमें और कुछ नहीं सिखाते, बहन जो क्लास में पढ़ाई चल रही है हम यहाँ पे गांजा फूंक रहे हैं, धुएं में भंड होके बहन जो क्लासरूम में जा रहे हैं, वो टीचर भी कह रहा माल कहाँ से लाया है, ऐसी जिंदगी नरक करे हमने, डिसीजन के नाम पे इतना वाहियात डिसीजन लिया और आइडल में धोनी को मानता हूँ। पर बहुत से लोग बोल देते ना कि किस्मत का धनी है लकी है, पर मुझे लगता है कि एक ब्रेन है, वो एक्टिव ब्रेन जो उनका डिसीजन है ना, वो सेंस ऑफ ह्यूमर इतना स्ट्रांग है और प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से वो कामयाब हुए, क्योंकि आप लक से ना एक मुकाबला जीत सकते हो या एक ट्रॉफी, इतने नहीं, आईपीएल में इस बार भी सीजन में जीत गए हो तो आप लक तो नहीं बोल सकते ना कि 5-5 बार सीजन को उठा ले और 11 फाइनल्स खेल ले,
ये अनबिलीवेबल है भाई। ये होता है हमेशा जब हम कहते हैं ना कि किसी प्लेयर की बात करते हैं कि अच्छा खेलते हैं इसलिए कप्तान है, बैटिंग में भी है, महेंद्र सिंह धोनी को देख के लगता है कि कप्तान इस तरीके का हो तो गेम पूरा बदल सकता है। और जब फैन फॉलोइंग की बात होती है ना तो उनके आगे चाहे कोई भी खेल रहा हो, चाहे विराट कोहली की टीम आरसीबी क्यों ना हो, पूरा येलो समुंदर देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ लोग प्यार नहीं उससे भी ज़्यादा मानते हैं। और गॉड अगर कहते हैं ना सचिन तेंदुलकर को, तो भाई ये गॉड से बढ़ के हैं, क्योंकि इतनी फैन फॉलोइंग किसी की नहीं हुई, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे अलग ही लेवल का वो टीआरपी गया हुआ था, और सब यही दुआ कर रहे थे कि भाई सीएसके जीत गए। यहाँ तक कि जो हारने के बाद हार्दिक पांड्या ने भी ये कहा कि धोनी के सामने हार क्या हार है। तो ये होता है जब आपके राइवल भी आपकी तारीफ करने लगे ना, तो आपने जिंदगी में अचीव कर लिया है बहुत कुछ। देखो भाई क्रिकेट का लेजेंड चाहे कोई भी हो, पर असली किंग महेंद्र सिंह धोनी ही है, क्योंकि कहते हैं ना भाई जंगल का सबसे बड़ा जानवर हाथी है, सबसे तेज चीता, सबसे चालाक लोमड़ी, लेकिन शेर के एंट्री से ही पूरे जंगल का माहौल बदल जाता है। वैसे जब महेंद्र सिंह धोनी ग्राउंड में एंट्री करते हैं ना, तो पूरे ग्राउंड का माहौल ही बदल जाता है।